ये हैं बदलों की नशरियात नाजरीन मैं हूं इम्तियाज आलम बदलो की नशरियात में अपने प्रोग्राम अंगेख के साथ आज इस मुल्क की तारीख का एक अजब दिन है पार्लिमानी रवायात को सामने रखा जाए और आयन की मंशा को सामने रखा जाए और लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी कानून साजी के हवाले से अवामी मंशा को देखा जाए तो आज बहुत बुरा दिन है पार्लियामेंट के का इजलास में जो पहले तलब किया गया था और 11 नवंबर को वो फिर मुलतवी कर दिया गया था क्योंकि हुकूमत के पास नंबर्स नहीं थे लेकिन आज हुकूमत के जब नंबर पूरे हुए तो फिर इजलास बुलाया गया और बहुत जिसे अपोजिशन ने जैसे कहा है कि बुलडोज कर दिए गए दर्जन नहीं दो दर्जन से ज्यादा कवानी जिसमें इंतलाहत का कानून भी शामिल है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल भी शामिल है जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी को हक वोट देने का मामला भी शामिल है और जिसमें स्टेट बैंक को मुकम्मल तौर पर हकूमती अमलदारी से आज़ाद कर देने का बिल भी शामिल है आ, इसके अलावा और बहुत सारे कवानी जिसमें कलभूषण यादेव के हवाले से जो आलमी इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस का आईसीजे का जो हुक्मनामा था उसके मुताबिक ये करार दिया जाना था कि कुलभूषण यादेव को रिव्यू करने की अपने केस की का हक होना चाहिए तो ये तमाम बिल्स पेश किए गए अपोजिशन और हुकूमत में बहुत महाजराई नजर आई और हकूमत को हैरान कन तौर पर तकरीबन उतने वोट मिल गए जितने के नंबर्स उनके गिने जाते हैं यानी 221 सौ इक्कीस मुश्तर इजलास में यानी उनका एक वोट भी कम नहीं हुआ बल्कि जो वोट उन्हें हकीकता मिलने चाहिए ममा इतिहादियों के और आदा अरकान के तो दो सौ इक्कीस के इक्कीस उन्हें मिल गए अपोजिशन को अलबत् दो सौ तेरह वोट मिलने चाहिए थे लेकिन पाँच उनके गैर हाजिर थे तीन रुकन उनके जो हकूमती बेंचेज थे यानी पीटीआई और उसके तहदी वो भी कम थे इस तरह मैं कहूँगा कि कोई आठ वोट स्लिप हुए हैं हुकूमत के नंबर अपोजिशन के नंबर्स में से और उन्हें दे सक दो सौ तेरह की बजाय उन्हें दो सौ तीन वोट मिल सके ये भी एक महिम रहा कि जब आए और नो का वोट मांगा स्पीकर साहब ने आ, तो उसकी गिनती का जो निज़ाम है उसने काम नहीं किया बल्कि जब उन्होंने ऐलान किया कि भाई पास हो गया है तो अपोजिशन ने इतराज़ किया और दोबारा खड़े होकर गिनती करवाई गई उसमें भी इतराज़ हुआ कि गिनती में शायद जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं और एडवाइजर्स हैं उनके वोट भी शामिल कर लिए गए फिर दोबारा गिनती हुई और नतीजा 221 और 203 का हुआ उसके बाद तो लाइन लग गई ना किसी ने कानून पढ़ा था ना किसी ने मसवदा देखा था मेरा नहीं ख्याल कि इस पूरी कौमी और सुबा, और, और मुशत में जो शर्क उन गया और ना, ना कहा गया ये थे उनके यहाँ भी मैं नहीं समझता कि पांच हजार लोगों को पता होगा कि आज क्या कवानी और उनकी क्या कॉन्टेंट है जो पास किए गए ये मैजिकल मामला हुआ कैसे आखिर ग्यारह जो पिछला इजलास बुलाया गया था मुशतर का अजलास उससे क्यों उसे करना पड़ा क्योंकि उससे एक रोज पहले हकुमत को दो बार शिकस्त हुई एक प्राइवेट बिल पे में प्राइवेट मेंबर के प्राइवेट बिल पे 103 वोट पड़े थे और अपोजिशन को उस वक्त वहां पर एक सौ वोट पड़े थे जिससे हकूमत को बहुत एम्बेसमेंट हुई उन्हें बहुत नन, आ, लादि होना पड़ा तो उसकी वो इसलिए इजलास मुलतवी कर दिया गया अब उसके बाद फिर ये कहा गया कि फिर से वो कुतें हरकत में आ गई जो ये हुई को जो को इकदार में लाई थी आज मौलाना फजलरहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोयटा में और कल फिर अभी कि बार बार कहा कि इदारे अपने आप को खैर जानेदार रखें वरना उन पर सवाल उठेंगे और उनकी उनके लिए ठीक नहीं है उनके लिए के लिए आज भी उन्होंने यही कहा कि वही जा रहा था मुश्तर अजलास बुलाया जाए तो कामयाब हो जाएगा ये बीस तारीख का क्या मामला था हकूमत बीस से पहले पहले ये कानून की तवाकों और मुश्तर अजलास में क्यों लाना चाह रही थी उसकी वजह यह है कि उन्नीस तारीख को और चार छोड़ेंगे फैज उम्मीद आईसई के चीफ का और 20 तारीख को वो कोर कमांडर पिशावर का उदा संभालेंगे आज मरियम नवाज ने भी साफ तौर पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे फिर से दोहराए हैं विल्जामत कि जिस तरह मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया गया उन्होंने कहा कि अब तो तीन जजों की गवाहियां आ गई हैं एक तो खुद वो स्पेशल कोर्ट के जज थे जिनका इंतकाल हो गया और जिनकी वीडियो सामने आई और जिन्होंने कहा कि अभी उन्हें उन पर दबाव डाला गया था कि नवाज शरीफ को सजा देनी है और उन्होंने अपने, अपने अंडर प्रेशर सजा दी वो वीडियो हम देख चुके हैं दूसरा बयान हमें नज़र आता है, है कि जो, जो आ, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो, जो है जज जो हैं उनका बयान था जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार को एड्रेस करते हुए या या हाई कोर्ट बार को करते हुए दिया था कि किस तरह हमीद उनके पास आए थे और उनसे कहा था कि हमारी मेहनत जाएगी अगर नवाज शरीफ को सजा नहीं होती तो इसके बाद एक और बयान आ गया राना शमीम जो चीफ जज थे गिलगत बल्तिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा कि वो उनके पास छुट्टियां मनाने के लिए आए थे जस्टिस निसार वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में और उन्होंने उनके सामने फोन किया पहले अपने रजिस्ट्रार से कहा कि कहें फिलहाल जज से कि वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जमानत न दें इंतबाब से कबल और उसके बाद फिर उन्होंने उसी तरह का फ़ोन एक और जज साहब के बारे में किया इसकी रिपोर्ट न्यूज में और जंग में छपी उस एफिडेविट की जो कि लंदन में दिया गया और उन जज साहब ने राना शमीम जो इतराज़ किया गया कि वो उनकी पार्टी के आदमी है नू लीग के और वो उन्होंने लंदन ही में बयान दिया है और उसी नोटरी पब्लिक से नो उसकी उसकी तस्दीक करवाई है जो आमतौर पर नवाज शरीफ केसेस के की भी के, के, के मामला पे भी करते रहे तो आज बैक में दो बहादों पे एक खूब हमें एक महाजराई नजर आएगी अपोजिशन ने इन बिल्स को रोकने की बड़ी कोशिश की आ, लेकिन उनके नंबर्स पूरे नहीं थे बल्कि अपोजिशन को, को दस वोट कम मिले हैं उनकी असल तादाद से लगता यह है कि दिलावर ग्रुप भी जो सेनेट में जिसने के वोट डाला था गिलानी साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए आ, उन्होंने भी वोट डाला है बेंचेस को और इन कवान के हक में अब एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई गई है इससे कबल जब इंतबी असलाहत हुई थी नवाज़ शरीफ के दौर में कुछ सत्तर के करीब इंतवी असलाहत और तरबीम तरवीम तरवीमें की गई थी और जो इतफाक़ राय से की गई थी और जिस पर कोई लंबी चौड़ी कई आ, आ, कुछ सौ से जायद प्रोसीडिंग्स हुई थी और जिसमें पी टी आई भी शामिल थी पीपल्स पार्टी भी शामिल थी और बाकी तमाम जमातें और नवाज लीग भी शामिल थी वो इतफाक़ राय से की गई थी क्योंकि इंतवी असलाहत का ताल्लुक सारे आवाम के साथ है सारे राय दहंदगा के साथ है लिहाजा वो किसी एक जमात का इंतजामी इलाहात का, का मामला नहीं है तमाम जमातों और तमाम पार्लियामेंट का उस पर तफाह कराए ज़रूरी है लिहाजा आज क्या हुआ है कि चंद वोटों की अक्सरियत से आ, ये बिल पास कर दिए गए हैं अब मुबारक हो ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी कि उन्हें वोट का हक मिल गया है वोट का हक तो उन्हें पहले भी था वो पाकिस्तान में आकर अपना वोट दे सकते थे अब वो पोस्टल बोर्ड का, का भी तक कर सकते थे इसमें बहुत दिलचस्प बात की आ, बिलावल ने उन्होंने कहा जिस तरह कश्मीर में आ, जो बैरून मुल्क कश्मीरी है या कश्मीर से बाहर जो कश्मीरी है उनकी नुमाइंदगी का तरीका तय किया गया वैसा किया जाए अब ये कोई आई वोट डालने के लिए यानी अः इंटरनेट के जरिए वोट डालने का कोई तरीका बनाया जाएगा कोई सॉफ्टवेयर बनेगी जिसके बारे में अभी तक वजाहत नहीं है और ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डाल सकेंगे लेकिन मेरे एक दोस्त जो कि हुकूमत के बड़े एक मशीर भी हैं उन्होंने कहा कि भाई अगर सऊदी अरब में हुकूमत चाहेगी तो वो तीस का तीस लाख वोट जिधर चाहे डलवा दे इसी तरह गल्फ में वो जो लोग पंद्रह एक लाख वहां पे हैं तीस लाख सऊदी अरब में हैं तो ये चालीस पचास लोग लाख जो वोट हैं ये तो खुद अरब जो हैं वो जिधर चाहें डलवा दें क्योंकि पाकिस्तानी जो ओवरसीज वर्कर्स वहां पे काम करते हैं उनके पास तो बेचारे वो तो ओकामा के हाथों उनके हाथ बंधे होते हैं तो लिहाजा इस पर भी सवाल उठेंगे कि वो किस तरह अपना हक इस्तेमाल करें जहां तक ताल्लुक है इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस इसके जरिए बहुत घपले भी हो सकते हैं इसे हैक भी किया जा सकता है इसके रिजल्ट भी बदले जा सकते हैं सवाल ये है कि इसकी क्या सॉफ्टवेयर बनी है इसकी क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है इस पर बहुत छिलीज़ एतराज को सैंतीस के करीब एतराज किए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और इसे रद्द कर दिया था ख़ुद अपोजिशन पार्टीज ने भी रद्द किया और इतहादियों ने जिसमें एम के एम और पी एम एल क्यू भी शामिल है इन्होंने भी रद्द किया था तो अचानक ये जो बड़ी तब्दीली हुकूमत गिर रही है दौड़ रही है गिनती शुरू हो गई थी तो फिर क्या हुआ तो वही बात जो अपोजिशन कह रही है कि वो गैर मरईवतें जो इमरान खान को हुकूमत में लाई थी गालबन वो अभी नहीं समझती कि मुल्क में अदम इसम हो जाएगा अगर इमरान खान चले गए या उनके खिलाफ अदम अहतमाद का वोट आ गया या अब हुकूमत को मुश्तर अजलास में शिकस्त हो गई तो फिर उसके बाद क्या होगा इसका जिक्र खुद अपोजिशन के कई रहन ने भी किया है उन्होंने कहा कि इसके बाद भी बनने वाली हुकूमत है खुद मौलाना फजुल ने कहा कि उसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो शायद इससे भी बदतर हो दर हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान का बहरान इतना शदीद है कि इमरान ख़ान की हुकूमत उस बहरान को हल करने में नाकाम रही है बुरी तरीके से हर तरह के पहलु से लेकिन जो अगली हुकूमत आएगी उनके पास भी अभी तक कोई वादा एजेंडा नहीं है कि वो इस बुरान को कैसे हल करेंगे ना ही अपोजीशन अभी तैयार थी एक मतबादल कोलिशन बनाने के लिए कि वो इमरान खान को हटाएं और उसकी जगह अपनी कोलिशन ले आए इसके लिए पीपल्स पार्टी इसरार करती रही है कि हमें असम एजमाद का वोट लाना चाहिए पहले पंजाब में लाएं सैनट में लाएं फिर हमें वजीर अजम के खिलाफ लाना चाहिए मैं समझता हूँ कि इस पर अभी शायद खुद अपोजिशन भी तैयार नहीं है इमरान खान की हकूमत को हटाने में और बलबत ये कोशिश हो सकती है कि जैसे पंजाब में या सेनेट के चेयरमैन के आ, के, के हवाले से जो गड़बड़ हुई उसके इजाले के लिए आ, वो उनके खिलाफ अदम बात का वोट लाया जा सकता है लेकिन इस वक्त अपोजिशन के मुकाबले में हुकूमत फातिया रही है और अभी से इंतबात के के से बहुत पहले डेढ़ साल से ज़्यादा पहले ये बात अभी से शुरू हो गई है कि अगले इंतबात में धांधली का मनसूबा तैयार हो चुका है भले ये एक ख्याली बात है अफसान भी बात है या इसमें कोई हकीकत है इससे कत नज़र अमल अभी से मशकूक हो गया है क्योंकि जो सलाहत पे तमाम जमातों का इतफाक़ नहीं होगा और वो कहेंगी कि ये जो जैसे कि लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शबाज शरीफ ने कहा कि ये ईवल मशीन है आ, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है बल्कि ईवल मशीन है उन्होंने इससे इसका नाम दिया है आ, तो लिहाजा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक नई महाजराई शुरू हो गई है अब सड़कों पर भी हंगामा रई बढ़ाई जाएगी या बढ़ेगी और सड़कों पर भी प्रेशर बढ़ेगा और हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुक जो पहले ही ठीक नहीं थे वो उसमें और टेंशन आ जाएगी यानी सियासी कश्मकश और सियासी महाजराई बढ़ जाएगी आ, सेशन के दौरान यकीन लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आ, स्पीकर को ख़िताब करके इसी तरह बाप बिल भुट्टो ने आ, स्पीकर को एड्रेस करके इसी तरह जे यू आई के जो लीडर हैं रहमान मौलाना फजलरहान के बेटे उन्होंने ये सही सवाल उठाया कि हमने आपको आपने तो हमसे इतफाक़ कर लिया था कि ये असलाहत हम मिलजुल कर करेंगे और कमेटी पे इतफाक हो गया था कि मुशरका कमेटी में इन मामला को अमल के मामला को या असलाहत के मामला को तय किया जाएगा लेकिन ऐसा न हुआ और लिहाजा फिर अपोजीशन ने खत लिखा आज सुबह फिर ख़त लिखा गया जिसका जिक्र लीडर ऑफ द ने किया और यकीन हमें देख रहा था कि स्पीकर असद कैसर के ऊपर काफ़ी मलाल या आ, अफसोस का की झलक साफ नजर आ रही थी आ, कि वो, वो उस खत का क्या जवाब देते क्योंकि मामला उनके हाथ में नहीं था तो पहले जिलास बुलाया गया था, तो मुश्तर का हाथ में नहीं था बुला लिया गया जब मुलतवी किया गया मुलतवी इसलिए किया गया कि इतहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पी टी आई और जी डी ए और फंक्शनल लीग इन लोगों ने आ, इस मशीन को यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को के ऊपर वोट देने से इनकार कर दिया था और बाकी बिलों पर भी अपने तहफुज का इजहार किया था अभी हमने इतवारी को बड़े बयान देखे अब एम के एम के बयान भी आए और पी एम एल क्यू के बयान भी आए चौधरी परवेज लाई साहब का बयान भी आया और के हम नहीं दे सकते साथ लेकिन ये सोमवार और मंगल की रात सोमवार की रात को कुछ हुआ को टेलीफोन गए और जिसका तस्दीक कई मेंबर्स ने की है कि उन्हें टेलीफोन आए कि बेटा उसी राह पे चलना है जो पहले दिखाई गई थी लिहाजा काया पलट गई जिस मुल्क की पार्लियामेंट में वोटिंग का पैटर्न इदारे और सलामती के इदारे तय करें या उनके लोग तय करें तो फिर वहां पर जमहूरियत की फातः ही पड़ी जा सकती है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसी इतलात हैं कि फिर से वही डोरियाँ फिर हिली हैं आ, जो हमें सेनेट के इलेक्शन में हिलती नजर आई थी भले वो जनाब यूसुफ का बतौर सेनेट के बतौर सेनेटर के और उनकी शिकस्त हो बतौर सेनेट के चेयरमैन के उम्मीदवार के दोनों में हमें डोरिया हिलती नजर आई थी आज भी डोरिया हिलती नजर आई हैं और अफसोसनाक बात है कि कैसी पार्लियामेंट है जिसमें जो बाहर ग्रेड उन्नीस सौ बीस और इक्कीस के अफसर जिसकी निडोरिया खेचें तो पल्ला एक रुख से और दूसरी तरफ झुक जाता है ऐसे ही आज हुआ है और इसके साथ ही मैं आपसे जांच चाहता हूँ और आइंदा बदलों के प्रोग्राम पर फिर मिलेंगे बदलों की आज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आपका शुक्रिया